की आरतियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में। पूरा समस्त ब्रह्मांड आपके ही बरसाने में विद्यमान है, राधा रानी जी के चरणों में। उद्धव जी उसी समय भाव विभोर होकर के और बावले की तरह केवल राधा राधा हरे कृष्ण राधा राधा गाते हुए और उसी वृंदावन में झूमने लगे। गली गली भटक रहे हैं भगवान को प्रेम के भाव से पाने के लिए, भगवान को कि मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। कहूँ पिंकू भैया देख ना ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी आए हैं कथा में। इनका बेसब्री से इंतजार था। शुक्ला जी हर फूल शुक्ला जी रिश्तेदार है मिश्रा जी के, आप लोग जान गए होंगे। हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो भैया हर फूल शुक्ला जी की वजह से पहुंचे हैं, पहुंचाने में इनका सानिध्य था। लेकिन ये हम लोगों को ब्राह्मणों को पहुंचा करके और हम लोगों को ही गोली दे रहे हैं। अब हम कल इनकी पूरी उपस्थिति मानेंगे। पिंकू भैया आज कह रहे थे कि आपके शुक्ला जी नहीं आ रहे हैं, तो हमको बड़ा दुख हुआ। इसलिए कल हम चाहेंगे कि हर फूल शुक्ला जी, हमारा आदेश है कि आप सब परिवार सहित कल जरूर सातवें दिन की कथा में यहाँ उपस्थित रहेंगे।
और टिंकू भैया को देखने को मिले कि हाँ आप हैं। हाँ, छह दिन की गैर हाजिरी, एक दिन में हम लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप कल सपरिवार नहीं आए और आपकी तरफ से 50 मुद्दा और हमारे टिंकू भैया टिंकू मिश्रा जी की तरफ से पूरा 50 मुद्दा भगवान के चरणों में और भगवान के दया दुआ कप्पा शुक्ला जी पर और मिश्रा जी पर सजो बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोली, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब शांत हो जाते, राधा रानी की महाराज। अगर जीवन की हाजिरी बरसाना देनी है तो आप लोगों की आवाज आपके गांव से बाहर ही नहीं जाती होगी, बरसाना पहुंचना बहुत बड़ी बात है। बोलिए लाडली लाल की। ठीक है, हम लोग अर्जी लगा देंगे और क्या। एक सेकंड, हम कुछ भूल ही गए थे, शुक्ला जी को कुछ कहने लगे उसमें भूल गए, तो कहे भैया चलिए जो आपने कहा ठीक है।